Hello students, I am Professor Neeta Fulchand Gaikwad. Welcome in our free education channel English Master. This is the class 8 English textbook series unit number 2. हम आज से unit number 2 पढ़ेंगे. Unit number 1 मैंने already पढ़ा के upload कर दिया है. So ये हम पढ़ने जा रहे हैं with full explanation in Hindi. So what is the meaning of vocation? ये जो poem है इसका नाम है 2.1 vocation. So यहाँ पे देखिए ये चूड़ी वाला है, यहाँ पर ये माली है and this is the security guard. So इनके ये जो अलग अलग पेशे हैं, vocation means what? कि पेशा. So this is the word refers to an occupation for which a person is specially drawn or suited. यानी कि वो वही सीखते हैं और वही करते हैं, ठीक है. So this like this, अभी profession हम बोलते हैं तो profession business corporate field में हम profession का use करते हैं, यानी कि उनका profession वो है, as like कि वो engineer है, doctor है, ठीक है, इस तरह से. And let then business यानी कि जो खुद का business करते हैं उनको businessman बोलते हैं. Occupation यानी कि जो paid services रहती है, कि जिनका payment आपको, जहाँ पर आप काम के लिए जाते हैं working hours के आपको पैसे मिलते हैं, लेकिन ये है vocation यानी कि ये पेशा रहता है कि यही सीखते हैं और यही करते हैं, यानी कि hawkers, like hawkers फेरी वाले जो लोग हैं जो अलग अलग प्रकार की वस्तुएं चीजें बेचते हैं, like this. डिटेल में हम पढ़ेंगे ये पोएम, चलिए. So this is the poem by Nobel Prize winner Rabindranath Tagore ji, and it describes the innocent wishes of a young boy who yearns for freedom from the rules of a daily life. एक young boy है जो इस poem में speaker है. So ऐसा लगता है कि वो बोल रहा है इस poem के through, हमें बता रहा है कि वो किस तरह से उसकी daily routine से, daily life से छुटकारा पाना चाहता है और वो क्या-क्या देख रहा है आसपास और उसे क्या करना, वो क्या करना चाहता है आगे जाके, like this. When the gong sounds 10 in the morning and I walk to school by our lane. Gong का मतलब क्या है? घंटी. जो स्कूल में घंटी बजती है जोर जोर से, like this. जब सुबह 10 बजे घंटी बजती है और मैं अपनी गली से स्कूल जाता हूँ. Every day I meet the hawker crying bangles, crystal bangles. Hawker का मतलब क्या है? कि फेरी वाले. Okay, so मैं इसको थोड़ा highlight करती हूँ. Hawker. हॉकर. एवरी डे आई मीट द हॉकर क्राइंग. क्राइंग यानी क्या? जोर जोर से बोलना या फिर चिल्लाना. मैं हर दिन मैं फेरी वाले से मिलता हूँ जो जोर जोर से बोलता है या फिर चिल्लाता है कि चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ, क्रिस्टल यानी कांच, ठीक है. देयर इज नथिंग टू हरी हिम ऑन. फेरी वाले के लिए जल्दी करने जैसा कुछ तो नहीं है. देयर इज नो रोड ही मस्ट टेक. ऐसा कुछ नहीं है, निश्चित सड़क ऐसी कोई नहीं है कि वही पे उसको जाना है. No place he must go to, और ऐसी कोई जगह नहीं कि जहाँ उसे जाना ही है. No time when he must come home, और ऐसा कोई समय भी नहीं कि उसे घर वापस जाना चाहिए, कि वो किसी से समय से बांधा हुआ नहीं है. वो उसका खुद का वो वोकेशन है, पेशा है, तो वो जब तक उसका दिन भर की कमाई नहीं होती तो उसके मन पर है, वो कभी भी घर जा सकता है, राइट. किसी भी रोड पर जाकर वो अपनी वस्तुएं, चीजें बेच सकता है, लाइक दिस. I wish I were a hawker. यहाँ पर ये स्पीकर जो है यंग बॉय, he's saying that I wish I were a hawker. कि काश मैं एक फेरी वाला होता. Spending my day in the road. मैं अपना दिन सड़क पे बिताता. Crying bangles, crystal bangles. जोर जोर से बोलता, मैं चिल्लाता कि चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ. When at 4 in the afternoon I come back from the school. जब दोपहर के 4 बजे मैं स्कूल से वापस आता हूँ. I can see through the gate. तो मैं the gate से देखता हूँ कि that house the gardener digging the ground. मैं देखता हूँ कि माली पास के घर में जमीन खोद रहा है. Digging करना यानी खुदाई करना, ground यानी जमीन, और gardener यानी के माली, ठीक है. He does what he likes with his spade. Spade का मतलब क्या है? कुदाल. यानी कि यहाँ पे स्पीकर हमें बता रहे हैं, ही डज व्हाट ही लाइक्स विथ हिज स्पेड. माली वही करता है जो वो अपनी कुदाल से करना चाहता है. ही सॉइल्स हिज क्लोथ्स विद डस्ट. वो मिट्टी में अपने कपड़े खराब कर लेता है. नोबडी टेक्स हिम टू टास्क. उसे कोई भी डांटता नहीं है. टेक्स हिम टू टास्क यानी कि टू स्कोल्ड समवन, स्कोल्ड कोई भी उसे डांटता नहीं है. इफ ही गेट बैक, सॉरी, इफ ही गेट्स बेक्ड इन द सन और गेट्स वेट. या फिर वो कोई भी उसे डांटता नहीं है यदि वो अपने कपड़े गंदे कर लेता है या फिर धूप में, कड़ी धूप में वो धूप से परेशान हो जाता है या फिर भीग जाता है या फिर गीला हो जाता है, ठीक है. यानी कि धूप, कड़ी धूप में अगर वो पसीने से लथपथ पूरा अगर गीला भी हो जाता है तो भी उसको डांटने वाला ऐसा वही वहाँ पे कोई नहीं है.
आई विश आई वर अ गार्डनर. तो अभी वंस अगेन द स्पीकर इज सेइंग, द यंग बॉय इज विशिंग दैट आई विश आई वर अ गार्डनर, काश मैं एक माली होता. डिगिंग अवे एट द गार्डन, तो मैं बगीचे में खुदाई कर रहा होता. विथ नो बडी टू स्टॉप मी फ्रॉम डिगिंग, और मुझे खुदाई करने से रोकने के लिए भी कोई नहीं होता. जस्ट एज इट गेट्स डार्क इन द इवनिंग एंड माई मदर सेंड्स मी टू बेड, जैसे शाम को अंधेरा हो जाता है और मेरी माँ मुझे बिस्तर पर भेजती है, यानी कि मेरी माँ मुझे सोने के लिए बोलती है. तो इस तरह से मुझ पर ये मुझे मेरी माँ बोलते तो मुझे वो करना ही पड़ता है. बट माली का वैसा नहीं है, माली जब तक उसके मन में आता है तब तक अपना काम करता रहता है. ये यहाँ पे दिस स्पीकर इज ट्राइंग टू टेल अस. आई कैन सी थ्रू माई ओपन विंडो, तो खुली खिड़की के माध्यम से जरिए मैं देख सकता हूँ. द वॉचमैन वॉकिंग अप एंड डाउन, कि पहरेदार जो वॉचमैन है, सुरक्षा रक्षक जो है, कि वो ऊपर नीचे चलता चल रहा है. वॉकिंग अप एंड डाउन द लेन इज डार्क एंड लोनली, तो जो लेन है, ठीक है, लेन यानी क्या, कि जो गली है, लेन का मतलब होता है गली. द लेन इज डार्क एंड लोनली, तो वहाँ की जो लेन है, गली है, वो एक तो अंधेरा है वहाँ पे और अकेली गली, सुमसाम गली है. एंड द स्ट्रीट लैम्प स्टैंड्स लाइक अ जियांट विथ वन रेड आई इन इट्स हेड, और वहाँ पर ये जो पहरेदार है अंधेरी और अकेली गली में ऊपर नीचे चलते देख सकता हूँ, ऐसा इस यहाँ पे ये स्पीकर बोल रहा है. जाके स्ट्रीट लैम्प यानी रास्ते पर जो दिए रहते हैं, एक विशालकाय, जियांट यानी के विशालकाय, महाकाय की तरह खड़ा है, जिसके सिर में एक लाल आंख लगी है. इस तरह से इन्होंने यहाँ पे इसका वर्णन किया है. ही इज सेइंग दैट लैम्प स्टैंड्स लाइक अ जियांट विथ वन रेड आई इन इट्स हेड, कि स्ट्रीट लैम्प एक विशालकाय की तरह खड़ा है जिसके सिर में एक लाल आंख लग चुकी है. द वॉचमैन स्विंग्स his lantern. The watchman swings his lantern and walks with his shadow at his side. The watchman swings his lantern. यानी कि चौकीदार अपनी लालटेन झुलाता है. Swing यानी झुलाना, lantern यानी कि जो लालटेन होती है, ठीक है. And walks with his shadow at his side. जैसे वह चलता है उसकी परछाई भी उसके बगल में चलती है. And never once goes to bed in his life. और वह अपने जीवन में कभी सोता ही नहीं. इस तरह से ये स्पीकर हमें बता रहे हैं. आई विश आई वर अ वॉचमैन, अगेन द स्पीकर वॉन्ट्स टू टेल अस दैट ही इज विशिंग दैट आई विश आई वर अ वॉचमैन, कि ताकि मैं चाहता हूँ कि मैं एक चौकीदार बनूँ. वॉकिंग द स्ट्रीट ऑल नाइट, और रात भर में रास्ते पर चलता रहूँ. चेजिंग द शेडोज विथ माई लैंटर्न, ताकि रात को अपनी लालटेन की रोशनी से सभी छायाओं का पीछा, शेडो यानी छाया, परछाई, सभी परछाइयों का पीछा करते हुए स्वतंत्र रूप से मैं अकेला ही चल सकूं. सो इस तरह से ये पूरी पोयम है. आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी. आप जब टेक्स्ट बुक में देखोगे तो आपको लगेगा ये लेसन है कि क्या, लेकिन ये कोई लेसन नहीं है. दिस इज द पोयम बट इट्स गिव्स यू द मीनिंग्स, यानी कि एक जो यंग बॉय है उसकी जो विशेस है, ओके, विश लिस्ट जो है उसकी, जिस तरह से वो हर प्रोफेशन वोकेशन देखता है, यानी कि चूड़ी वाले को देखता है, ठीक है, हॉकर को देखता है, देन गार्डनर है, देन सिक्योरिटी गार्ड है, इनको जब वो देखता है तो उनको देखकर उसके मन में क्या फीलिंग्स आती है, कि मेरा जो रूटीन है उससे मुझे छुटकारा पाने के लिए आई वॉन्ट टू डू एनी काइंड ऑफ प्रोफेशन. जो ये करते हैं इनमें से हर एक प्रोफेशन वो अगर करता है तो उसको कैसा फील होगा, वो इस पोएम के माध्यम से हमें बताया गया है. रविंद्रनाथ टैगोर जी की ये पोएम है. आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी. स्टूडेंट्स, जितने भी हार्ड वर्ड्स हैं मैंने आपको बताए हैं, सो आप नोटबुक में नोट डाउन जरूर कीजिएगा. एक बार यूनिट नंबर 2 के सारे पोएम्स, सारे लेसन्स खत्म हो जाए तो हम क्वेश्चन आंसर्स भी अलग से अपलोड कर देंगे. सो कीप सपोर्टिंग आवर इंग्लिश मास्टर चैनल इन दिस COVID-19 सिचुएशन. ये आपका स्टडी, यानी कि 100% आपका स्टडी आपको समझ में आ जाए, इसके लिए हमारा एक छोटा सा प्रयास है. सो जो पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स का सपोर्ट मिल रहा है, एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स 9 क्लास के भी पूछ रहे हैं, सो इसके बाद 9 क्लास का लेक्चर अपलोड होगा जरूर. सो यूनिट नंबर 1 क्लास 1 से 12 तक ऑलरेडी पढ़ा के खत्म हो चुके हैं. सो यूनिट नंबर 2 अब स्टार्ट किया है. प्लेलिस्ट आप डिस्क्रिप्शन में जाके जरूर देखिएगा. और जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स. तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, फैमिली, फ्रेंड्स. थैंक यू एंड बाय.